कि आपको फुटबैक का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा पैर को ऐसे घुमा के टो यूज़ करके फुटबैक प्रेस करना पड़ेगा और पैर को ऐसे घुमा के एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फुल क्लच, एक नंबर गियर, थ्रॉटल फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे ही आप देखेंगे आरपीएम 2000 के आसपास आ गया, हैंड ब्रेक को डाउन कर दीजिए और जब भी क्लच बाइटिंग पॉइंट में आ जाता है तब एक्सेलरेटर प्रेस करके गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में एक फ्लाईओवर के ऊपर मैं गाड़ी को चलाऊंगा और वहां पर मैं दिखाऊंगा मैं किस तरीके से चढ़ाई के ऊपर से गाड़ी चलाता हूं। चार टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस फ्लाईओवर को मैं तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं कह सकता हूँ, मगर सिखाने के लिए ठीक ठाक है। तो यहाँ पर उस जगह पर थोड़ा चढ़ाई है, तो वहाँ पर जाके मैं गाड़ी को स्टॉप करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से खड़ी हुई गाड़ी को ऐसे चराई से मैं चराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चढ़ाई है, तो इस टाइप का सिचुएशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड आप हैंड ब्रेक को एंगेज कर दीजिए, गाड़ी न्यूट्रल में है, क्लच को रिलीज कर दीजिए, फुट ब्रेक को भी रिलीज कर दीजिए। देखिए गाड़ी आपका पीछे नहीं जा रहा है। अभी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फुल क्लच, एक नंबर गियर, थ्रॉटल फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे ही आप देखेंगे आरपीएम 2000 के आसपास आ गया, हैंड ब्रेक को डाउन कर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। दोस्तों ये हैंड ब्रेक टेक्निक है, ये हैंड ब्रेक टेक्निक दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इस टाइप का छोटा मोटा चढ़ाई में आप हैंड ब्रेक को एंगेज करके, जैसा मैंने दिखाया, थ्रॉटल को थोड़ा अगर ब्लिप करेंगे तो 2000 के आसपास आरपीएम चढ़ जाएगा। अगर चढ़ाई और भी ज़्यादा है तो 2000 से भी ज़्यादा आरपीएम को आपको लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर दोस्तों आप हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर देंगे तो देखेंगे बहुत ही आसानी से गाड़ी आपका आगे चढ़ गई है। दोस्तों अभी मैं आपको दूसरा टेक्निक के बारे में बताऊँगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी चढ़ाई है, सेम फ्लाईओवर, और मैं देखिए क्लच प्रेस करके रखा हूँ और धीरे धीरे मैंने ब्रेक छोड़ रहा हूँ। देखिए गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, ऐसा आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी पीछे मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा चढ़ाई होता है तब आपको चारों ब्रेक एक साथ अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों तब क्या करेंगे, आपको फुट ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा पैर को ऐसे घुमा के टो यूज़ करके फुट ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा और पैर को ऐसे घुमा के एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक मैं बिना हैंड ब्रेक यूज़ करके ही किया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फुट ब्रेक यूज़ करने से दोस्तों आपका चारों व्हील में एक साथ ब्रेक लग जाता है और ब्रेक का पावर बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। दोस्तों अभी मैं थर्ड मेथड सिखाने जा रहा हूँ और ये थर्ड मेथड आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा, ये बहुत ही कॉमन मेथड है। यहाँ पे दोस्तों हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं होता है और आपका हील टो भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे चढ़ाई है, देखिए मैंने ब्रेक प्रेस करके रखा, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। अभी क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर चढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर कभी कभी लोग क्या करते हैं, क्लच को ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हैं और जब भी क्लच बाइटिंग पॉइंट में आ जाता है तब एक्सेलरेटर प्रेस करके गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। तो इसमें एक टाइमिंग फैक्टर होता है दोस्तों। टाइमिंग फैक्टर का मतलब क्या है, आपको क्लच छोड़ने के वक्त बहुत अच्छी तरह से बाइटिंग पॉइंट का अंदाज़ा रखना पड़ेगा। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, क्लच छोड़ने के वक्त एक टाइम में आपको लगेगा एक नंबर गियर में कि गाड़ी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बाइटिंग पॉइंट। तो तब आपको दोस्तों जल्दी से ब्रेक से पैर हटा के एक्सेलरेट करना पड़ेगा और गाड़ी तुरंत आगे निकल जाएगी। इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत हब क्लच का यूज़ होता है
और ये मेथड मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आपको टाइमिंग करने में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो गाड़ी इसमें रुक जाएगी, और इसमें दोस्तों कभी कभी इंजन लागिंग भी होता है। दोस्तों फिर से वही फ्लाईओवर, अभी मैं आपको फोर्थ मेथड दिखाऊंगा। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर थोड़ा ढालन है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने गाड़ी को फुल स्टॉप कर दिया, न्यूट्रल गियर में है अभी, हैंड ब्रेक डाउन, ब्रेक से मैं पैर हटा रहा हूँ। देखिए ब्रेक से पैर हटाऊँ, गाड़ी पीछे तक जा रही है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर गियर में डालूँगा, फुल क्लच प्रेस करके रखा हूँ, ब्रेक से पैर हटा के मैं थोड़ा थोड़ा करके थ्रॉटल फ्लिप करूँगा। तो इससे क्या होता है, क्लच हाफ प्रेस होकर रहता है और गाड़ी पीछे नहीं जाती है। देखिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस मेथड में मैंने क्या किया, मैंने हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक, किसी ब्रेक का भी यूज़ नहीं किया, मैं क्लच का बाइटिंग पॉइंट में आके गाड़ी को रुक के रखा था और थोड़ा थोड़ा थ्रॉटल फ्लिप कर रहा था ताकि गाड़ी पीछे ना चले जाए। तो ये मेथड भी उतना प्रिफर्ड मेथड नहीं है, ये आप यूज़ मत ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। कब यूज़ करेंगे, जब बहुत ही कम टाइम के लिए आपको किसी एक जगह पे गाड़ी को ऐसे रुक के रखना पड़ेगा, किसी चढ़ाई में गाड़ी को रुक के रखना पड़ेगा, और वो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम टाइप का चढ़ाई है, तो उस टाइप का जगह में दोस्तों आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मगर ये 3 और 4 नंबर वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, इसे अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका क्लच पेट घिसेगा और गियर बॉक्स भी ख़राब हो सकता है अगर आप कई गलती कर बैठते हैं तो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।